ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर। दोस्तों, और स्टूडेंट कहता है, यार पढ़ना अच्छा नहीं लगता। पढ़ना तो है पर पढ़ने बैठ ही नहीं पाता। जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ ऐसा होता है कि बस एक बार गेम खेल लूँ फिर पढ़ूंगा, बस थोड़ी देर किसी से चैट कर लूँ फिर पढ़ूंगा। दोस्तों, पढ़ाई की लत भी बियर की तरह होती है। एक बार लग गई तो लग गई। पर आप कहोगे कि एक बार भी लत कैसे लगाए? दोस्तों, आपने फील किया होगा कि जब आप कोई शेड्यूल बना के पढ़ते हो या आपने डिसाइड किया हो कि आज आपको इस चैप्टर को खत्म करना ही है कुछ भी हो जाए, और उस दिन अगर घर वाले कोई काम दे दे तो आपको कितना गुस्सा आता है। ये क्यों? क्योंकि पढ़ाई भी अब आपको बियर के जैसे चढ़ गई है, और अगर ये स्टेज पे आप पहुंच गए तो समझ लो अब आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर इस स्टेज तक पहुंचे कैसे? किसी भी चीज को अगर हैबिट बनाना है, आप बोलोगे पता है 21 दिन तक लगातार करो हैबिट बन जाएगी। नहीं यार, ये तो सबको पता है। तुम्हें अगर किसी भी चीज की हैबिट डालनी है तो सबसे पहला स्टेप है शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत। मोटिवेशनल वीडियो देख के आज से रोज 3 to 4 hours थियरी पढ़ूंगा ऐसा गोल रखोगे तो 2 दिन में डीमोटिवेट होके बैठ जाओगे। सबसे पहले 25 से 30 मिनट का गोल रखें, और एक चीज हमेशा याद रखें और उसे फॉलो करें, और वो है मैं आज कल से ज्यादा ही पढ़ूंगा। फिर वो 1 मिनट हो या फिर 1 पेज ही क्यों ना हो, पर कल से ज्यादा ही पढ़ूंगा। आपका ये कमिटमेंट कभी भी ना तोड़े। ये एक रूल बाकी सारी टिप एंड ट्रिक्स को ओवरराइड कर जाएगा, और हर दिन जब आप ये कमिटमेंट पूरा करोगे आप बहुत अच्छा फील करोगे, जानो आपने कुछ अचीव कर लिया हो। पर कल से बेहतर पढ़ने के लिए काफी सारी चीजें हैं जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि डेली शेड्यूल कैसे बनाएं, पढ़ाई करते टाइम कंसंट्रेशन कैसे करें, कहां से स्टडी स्टार्ट करें। दोस्तों, आज अभी इस वीडियो के बाद एक पेज उठाए या एक नोटबुक ले, जो भी डाउट्स है जो भी क्वेश्चंस है उसे याद कर करके लिख ले। भले ही आज कुछ ना पढ़ पाओ पर आज ये काम जरूर करें। सबसे पहले ये लिखे कि कुछ भी हो जाए आज मैं कल से ज्यादा ही पढ़ूंगा। उसके बाद सारे क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन के बाद 3-4 lines छोड़ दो। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है उसे स्टडी बडी क्लब के वीडियोस में सर्च करें, एंड उस वीडियो को देख के जो भी टिप एंड ट्रिक आपके काम की लगे उसे अपने क्वेश्चन के नीचे लिख दें, एंड ऐसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दें। और फिर खुद से पूछे, अब कोई क्वेश्चन है तेरे पास? क्योंकि जब तक आप एक्सक्यूजेस क्लियर नहीं करोगे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने वीडियो के रूप में दिए हुए हैं। सो अगर पढ़ाई की हैबिट डालनी है तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करें। पढ़ना शुरू करने से पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर करें, अपने सारे एक्सक्यूजेस क्लियर कर दें, एंड वो कैसे करना है वो मैंने अब भी बताया। एंड एक कमिटमेंट खुद से कर दो कि मैं आज कल से ज्यादा ही पढ़ूंगा। सारा नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, सो मुझे पता है ये आपको हेल्प में जरूर आएगी। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज एक शेयर जरूर करें, अपना बड़ा भाई मानते हो तो लाइक एंड कमेंट भी करें। अगर स्टडी में हर कदम मेरा साथ चाहते हो तो स्टडी बडी क्लब को अब भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।